The 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 moonlight was blocked out of the mouth of mouth cave, for मून Khan's great, square head and shoulders were thrust into the entrance. What do you want? Asked Father Wolf. wahan देखा कि जो माउथ है किसका माउथ किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे केव के बारे में बात हो रही है, है जहाँ वो रहते थे वहाँ पे मून ने ना ब्लॉक कर लिया था उस केव के माउथ को क्यों क्योंकि वहाँ पे शेर खान आ चुका था वो एक स्केयर हेड रखता है शोल्डर्स हैं, उसने क्या किया उसकी उसको लग रहा था कि वो जल्दी से अंदर एंटर करे थ्रस्ट इन टू द यू वॉन्ट किसने पूछा फादर वुल्फ ने पूछा तुम क्या चाहते हो माई क्वेरी ए वे

हिला दिया मदर व गई, गई, उसने अपने बच्चों को वहां से लिया और आगे को चली गई स्प्रेंग फॉरवर्ड वहां से चली गई और उसकी आईज जो थी दो ग्रीन मून की तरह लग रही थी जो इतना अंधेरा था वहां पर लेकिन वो शेर खान की जो ब्लेजिंग आएस, जो चमकती है, उसको फेस कर रही थी, लेकिन Mother Wolf डरती नहीं थी उस टाइगर से इसलिए उन्होंने ऐसा यहां बोला है। मदर वॉल्फ आंसर्ड द मैन कब इज the pack ही पैक एंड टू हंट विद एंड इन द एंड लुक You hunt, look, you hunter of the little net cubs, frog eater, fish killer, he shall hunt thee. And now get hands back, do. Goes to thy mother, burnt beast of the jungle, lamer than ever two chemist in the world. Go. इसमें जो मदर वुल्फ है वो आंसर करती है उसको जवाब देती है किसको टाइगर कहते हैं कहती है कि ये जो मैं टाइगर को कह रहे हैं वो इसको मारा नहीं जाएगा। ये हमारे पैक के साथ रहेगा और वहां पे रहने के बाद वहां पे शिकार करेगा और लास्ट में देखना ये एक लिटल नेक्ट कब के लिए क्या लाएगा फ्रॉग ईटर फिश किलर इसका शिकार करेगा और वो तुम्हारा भी शिकार करेगा ट हैंड्स बैग दो यू और उसको ना स्कोल्डिंग करते हुए बगाना चाहती है बोलती है मदर के पास जाओ बर्न बीज ऑफ द जंगल सड़ा हुआ आ, एनिमल जंगल का लेमर दैन मतलब लंगड़ा लेम वन इवर दो केमिस्ट इन दर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के अंदर एंड गो प्लीज आप जाओ इस तरह से उसको बोलती है फादर वुल्फ

उसने कहा कि वो भूल गया कि वो जो मदर वुल्फ थी उसको वो पांच वुल्फ से लड़कर फिर जीत कर लाया था मदर नहीं कर पाया और उसे पता था कि अगर वहां बोलता है क्यों क्योंकि वो वुल्फ का इलाका है वुल्फ का एरिया है इट मीनस एडवांटेज ऑफ द ग्राउंड तो वहां पे जस्ट उसको फाइट करने के बाद डेथ ही मिलेगी वो वहाँ मारा जाएगा क्योंकि वो वहाँ अकेला था बस तबैकी उसके साथ था ना लेकिन वुल्फ और पैक वो तो बहुत सारे थे मदर वुल्फ थ्रू हर डाउन पेंटिंग अमंग द कब्स एंड फादर वुल्फ सेट टू हिज ग्रेवली शेर खान स्पीक्स द ट्रूथ द कब मस्ट बी शोन इन द पैक विल डू स्टिल कीप हिम मदर जो मदर वुल्फ है वो एकदम से पेंटिंग होता है स्टूडेंट्स पेंटिंग टाइप जैसे ब्रीथिंग एंड क्विक फॉर एक्साइटमेंट हम जैसे हैं ना तो उस टाइम उसको फादर वुल्फ बोला बड़े ही सीरियसली बोला शेर खान सच कहता है जो कब है वो पैक के साथ ही होना चाहिए आपने शेर खान को सच कहा कि विल डू किल स्टिल की अभी भी तुमसे साथ रखोगी मदर keep him she gasped yes मैं उसको साथ रखूंगी she gasped gasp क्या होता है स्टूडेंट्स जैसे वंस एक ही सांस में पूरी बात को बोलना वंस बैठ और माउथ को ओपन करके बोलना he came next he has pushed one of my babies to one side already keep him Surely i will keep him lie still little frog oh do Mowgli, for Mowgli's frog will i can tree

और मोगली ने फ्रॉग का शिकार करेगा और एक ऐसा टाइम भी आएगा जब वो शेर खान का भी शिकार करेगा स्टूडेंट्स रीड दिस स्टोरी केयरफुली वी विल कॉन्टिन्यू नेक्स्ट डे थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे